पार्टी में तंदूरी रोटियों पर थूक लगाकर सेकने वाला नौशाद गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। यूपी के मेरठ में पार्टी के दौरान तंदूरी रोटी पर थूक लगाकर सेकने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी की पहचान लिसाड़ी गेट के लखीपुरा निवासी नौशाद के रूप में हुई है, जो विवाह समारोह में तंदूरी रोटी बनाने का काम करता है। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही शुक्रवार शाम कई कार्यकर्ताओं के साथ मेडिकल थाने पहुंचे थे। सचिन सिरोही ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो आई है जो अरोमा गार्डन में शादी समारोह की है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम नौशाद बताया गया है, वह रोटियां बनाते वक्त उस पर थूक रहा है और उसके बाद रोटियों को तंदूर में सेक रहा है। सिरोही ने कहा कि इससे शादी में आने वाले सभी लोगों का धर्म भ्रष्ट हुआ और कोरोना जैसी महामारी को बढ़ावा मिला है। उन्होंने मांग की कि मंडपों में खाना बनाने वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं ताकि निगरानी की जा सके। उन्होंने सुहेल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले की जाँच कराई जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता यशोदा एडवोकेट को सूचना मिली कि जिस कैटरर के साथ आरोपी काम करता है वह पीवीएस के निकट आई ब्लॉक में शास्त्री नगर में आ रहा है। यशोदा एडवोकेट मौके पर पहुंची और पुलिस को बुला लिया। यही खुलासा हुआ कि उसका नाम सोहेल नहीं नौशाद है। सचिन सिरोही, महानगर अध्यक्ष, हिंदू जागरण मंच मेरठ। क्या हुआ? देखिए, ऐसा है, कल मैंने 1:30 बजे करीब मेरे पे वीडियो वायरल आ रहा था। रोटी बनाते हुए मुस्लिम युवक है और हिंदू शादी थी, अरोमा गार्डन का मामला था, गढ़रोड का थाना मेडिकल लगता है। तो कल 1:30 बजे मेरे पास वीडियो आया। मैंने उसके बाद जो है 3 बजे मालिक से कंफर्म कराया, वीडियो आपका रमन जी से अरोमा गार्डन में? उन्होंने कहा हाँ जी, हमारे यहाँ का वीडियो है। कब का है? क्योंकि जी काफ़ी पुराना। मैंने अच्छा, तो उसके बाद मैंने कल शाम को यहाँ तहरीर दी है, उसमें मुकदमा आज पंजीकृत हुआ है। आज आरोपी भी जो है पकड़ा गया है, नौशाद मोमडन नाम है। और इसके अंदर सुबह हम लोगों ने DM साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें 2 मांगे हमने रखी हैं। DM साहब को ज्ञापन जो दिया है, सर्कुलर भी हो सकता है, कल DM साहब इसमें इशू करेंगे। जितने भी बैंकेट हॉल हैं सभी के लिए, जहाँ जहाँ भी ये भोजन की व्यवस्था जो है बन रही है वहाँ पे जो है CCTV फुटेज सब जगह, और जितने भी जो है इस कर्मचारी भोजन बनाने वाले हैं वो सब लोग जो है आइडेंटिफिकेशन के आधार कार्ड वगैरह जमा होंगे। और भविष्य में कोई अगर इस तरीके की पकड़ा गया करता हुआ तो बैंकेट हॉल जो ऑनर है उस तक के खिलाफ FIR जो है कराई जाएगी भविष्य में भी इस तरीके का कोई भी, क्योंकि ये तो छोटा मामला, चलो थूक रहा है ये सब चीज़ें है ही, कल को आदमी मार भी सकते हैं इस तरीके की अगर मानसिकता के लोग हैं। अभी तो पूछा जाएगा, इससे जाँच भी होगी इसकी, भाई तूने ऐसा क्यों करा गया, क्या वजह है, कौन लोग हैं। अभी जो ठेकेदार है वो भी नहीं पकड़ा गया है इसका, जो ठेकेदार है इसका जो इसे छोड़ के गया है, जो लाया था वो इसको छोड़ के और वो चला गया। क्यों छोड़ दिया भाई पुलिस ने उसे, क्या कारण रहा है कि भाई ऐसे क्यों कर रहा था, वो कुछ पता चला आपको? हाँ जी, देखिए ऐसा है, इसने बताया है फतेहपुर की तरफ का रहने वाला है, फतेहपुर रोड 27-28 नंबर गली बता रहा है, लखीपुरा का रहने वाला बता रहा है। तो वहाँ का रहने वाला, अब इससे पूछताछ जो है पुलिस करेगी, क्योंकि हम लोग जो है कानून हाथ में नहीं लेते। अच्छा, हमारा RSS का जो संगठन मालिक से आपने बात की थी, उन्होंने वीडियो पुराना बताया था। इसमें मंडप मालिक ने भी जो है गुमराह करा, अगर वो भी चाहते जो काम आज हम कर रहे हैं मंडप मालिक को करना चाहिए था। उसके खिलाफ भी पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? देखिए, अब तक तो बात थी इनकी,
अब जब आरोपी ने बताया कि इसी 16 का मामला, तो मंडप मालिक भी जो है जानबूझ के हिंदुओं को जो है इस तरीके की झूठन रोटी खिला रहा। विषय ये है कि इसका तरीके मतलब अन्न का निराधार करवा रहा और उसके बाद झूठन खिला रहा, उसके अंदर पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहा, समाज को सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या मांग यही है, ऐसे मंडप वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती तो आप आगे क्या करेंगे? देखिए ऐसा है, पुलिस प्रशासन का काम है, मेरी तरफ से जो है इस अपराधी को भी छोड़ दे पुलिस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ के लाए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लाते तो छोड़ दो, मैं कब मना कर रहा हूँ। राजस्थान की आवाज़ से मैं करण पारिक, अब तक के लिए बस इतना ही, बने रहिए राजस्थान की आवाज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।